और बस इतनी सी बात करूंगा कि जिस तरह जैन मन्नी भाई ने कहा कि ताजियत और रेफरेंस में भी शिरकत करनी चाहिए, लेकिन अगर हम जिंदगी में एक दूसरे से मोहब्बतें करें तो शायद जो कुछ लम्हात तलखियों भरे होते हैं वो हमारी मोहब्बतों में बढ़ जाएंगे। आप सबसे यही रिक्वेस्ट है, अपनी तरफ से भी, अपने इदारे की तरफ से भी, कि मोहब्बतों के सिलसिले जिंदगी में अगर एक दूसरे के साथ बरकरार रहेंगे तो वो जाते हैं इंसान ज्यादा बेहतर तरीके से अपने जहन में महफूज रख सकता है। और इतना ही कहूँगा कि अल्लाह ताला हम सबको इसी तरह जिस तरह हम सब आज एक दूसरे के साथ जिंदगी में एक दूसरे के साथ बसर करने की तौफीक दे, आमीन। और एक दफा फिर शायद आपको बहुत शुक्रिया, जो लोग यहाँ नहीं आ सके किसी भी वजह से, शायद उनकी कोई अपनी मजबूरियाँ होंगी, शायद उन्हें काम जो है वो अपने उन दोस्तों से ज़्यादा अजीज होगा जो 40 साल 30 साल 20 साल जिन्होंने सफ़र एक साथ गुजारा। तो अगर कुछ दोस्त उन कामों को आज छोड़ के आधा घंटा 1 घंटा अपने उस दोस्त के लिए उसकी याद में आ जाते जिसने इतना वक्त उनके साथ गुजारा, अपनी फैमिली से ज़्यादा टाइम शोबिज़ को दिया, हमारी फिल्म इंडस्ट्री को दिया, तो फिर अगर वो नहीं आए तो मेरी नज़र में उन्हें काम अपने दोस्तों से ज़्यादा अजीज होगा। तो फिर ये बात वो भी याद रखें कि इस दुनिया से सबने जाना है। आज इकबाल कश्मीरी साहब के लिए हम सब जमा हैं, लेकिन जो अपने दोस्तों के लिए नहीं आ सके शायद उनके लिए इतनी आवाम भी जमा ना हो सके, कि अल्लाह ताला के नज़दीक वो कहते हैं कि जैसी करनी वैसी करनी। जैसे आप अपने दोस्तों के लिए टाइम नहीं निकाल पाते हैं शायद आपके लिए भी कोई नहीं निकाल सकेगा। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू। ये थे जनाब मलिक याकूब साहब, चीफ एडिटर पब्लिशर रंगरूम। और मैं इसके बाद मुल्तमस हूँ, हमारे एक सीनियर प्रस्तार हैं और वो इकबाल कश्मीरी साहब के हवाले से कुछ बात करना चाह रहे हैं। आर्ट्स काउंसिल ऑफ लाहौर से मुंसलिक हैं अजीज़ शेख साहब, कि वो आए और मुख्तसर इजहार ख्याल करें। आज का तजीती रेफरेंस इसी हॉल में अली झा साहब का तजीती रेफरेंस हुआ। आज ही आल कश्मीर साहब है, आज ही खान सीनियर है, ये तमाम जितने सीनियर्स बैठे हैं, मैं तो यही कहूँगा मेरी तो मुलाकात एवेन्यू स्टूडियो से लेकर यहाँ तक सफर है। और मैं सबसे मुलाकात होती थी सलाम लेना, आ गई की कर रहे हैं, मैं कह सर जनाब सलाम की तरफ ठीक है, अल्लाह ताला दर्जात को बुलंद करें और उनके महकिन को सबने जीवी अदा करें, हम उनके दीपा को पहुंचे। थैंक यू। मैं मुल्तमस हूँ निगार अखबार के जो चीफ हैं लाहौर के जनाब साजिद हैदानी साहब, सीनियर ये राइटर हैं, सीनियर जो चीफ हैं, और मैं समझता हूँ कि इन्होंने बहुत काम किया होगा उनके साथ, काम से मतलब ये है कि उनसे रिलेटेड रहे होंगे। तो साथी जैदानी साहब से मैं अपने मुलतवि के गुआएँ और अपने सारे ख्याल करूँ। यहाँ सबसे ज़्यादा तो जिक्र किया जा रहा है कि जो दोस्त हाजिर ना हो सके इस वजह से, अलामत की वजह से या किसी प्रॉब्लम की वजह से, हमें असल में देखने वाली ये चीज़ है कि क्वांटिटी को ना देखा जाए, क्वालिटी को देखा जाए। अगर यहाँ चंद लोग भी बैठे हैं तो वो लोग सारे अपनी अपनी जगह पर आसमान के तारे हैं, क्योंकि सदर भट्टी साहब जैसा बड़ा प्रोड्यूसर और कहाँ, मोहम्मद परवेज जैसे जुड़ा साहब कहाँ है, फीस जानू साहब सरस्वती साहब जैसा आला है यहाँ अच्छी खान साहब बैठे हैं, और तमाम ऑर्गेनाइजेशन आप देखें कि कितनी बड़ी शख्सियात है। ये चंद लोग भी हजारों लोगों से
भारी हैं जो यहाँ नहीं आ सके, मैं समझता हूँ उनका आना जो है बाल कारकर्दगी उनकी फन और शख्सियत को फराज तहसीन पेश करने के लिए काफ़ी है और इसके लिए ये गिला करना किसी के बारे में समझता भी हूँ। जहाँ तक इकबाल कश्मीरी साहब का ताल्लुक है, इकबाल कश्मीरी साहब ने 50 साल तक काम किया फिल्म इंडस्ट्री में। वो हमने तो उन्हें शुरू से देखा है, इकदार से जब वो आए, उनका सफ़र निकू से शुरू होता है, प्रोडक्शन बॉय समझ लें, ऑफिस बॉय समझ लें, उसके बाद फिर अदाकारी, छोटे छोटे रोल भी किए उन्होंने फिल्मों में, मुख्तलिफ फिल्मों में। फिर अज़ीज़ मेरठी साहब जैसा हीरा शनास उन्हें मिल गया और उन्होंने उनकी तरबियत दी, जिसके बाद वो बाकायदा डायरेक्टर बन गए। उन्हीं से उन्होंने स्क्रीन पर अपनी तरबियत भी हासिल की, हालांकि निसाबी तालीम के हवाले से देखा जाए तो वो ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं थे, लेकिन इसके बावजूद उन्हें स्क्रीन प्ले पर और जुमले पर अबूर हासिल था। वो अपनी फिल्मों की अक्सर कहानियाँ और स्क्रीन प्ले खुद ही तरतीब भी दे दिया करते थे और उन्हें अपने सीन जो वो फिल्म बंद करते थे उन्हें असबर होते थे, पूरे पूरे सीन असबर होते थे। अगर 10 के 12 हैं तो 10 के 10 सीन उन्हें जवानी याद होते थे। एक दफ़ा मैंने उनका जिक्र है, मैं छोटा सा वाक्य सुनाता हूँ कि अदाकार शान एक सेट पे आए तो उन्होंने बाल साहब से कहा सीन बताएं जल्द, जिस तरह होता है वो 2-2 घंटे का टाइम था। बाल साहब ने कहा नहीं यार, सीन बड़ी मुश्किल है, अदालत का सेट है, इस पर एक जज है सामने, मुलजिम हो, पुलिस ऑफिसर है और बहन है, भाई है, ये करेक्टर है, ये बहुत बड़ा फिल्म का हाईलाइट है और इसको सीन को बड़ी यकसुई के साथ पूरी शिफ्ट में होना चाहिए। नदी नजी सब करके आए, मैं पीछे भी करके हूँ, आप जल्दी करें, बस कैमरा कर, इस तरह नहीं हो पाए, पहले सीन सुन लो, अगर इस तरह हो सकता तो कर लो। इकबाल कश्मीरी साहब ने वो सीन करके बताया सर, तमाम लोग सेट के मौजूद थे, लाइटिंग कराकर प्रॉपर जज का रोल भी उन्होंने की, खुद बैठ कर वकील का भी मुकाबले सारे बोले जवाब, मुलजम का भी, शान वाला रोल भी, तमाम करेक्टर उन्होंने खुद बोले, दैन का भाई का उसी टोन में उसी तरतीब। उन्होंने कहा याद ये हो सकता है 2 घंटों में, शाम में काज कैसे करते हैं, ये शूटिंग आप कल कर रहे हैं, ये मैं आज नहीं कर सकता, आप मुझे दे दें, कट हो गया। वो चले गए शाम, शिबाज को बुलाया अपने सेट के दोस्त, कहा यार कल किसी की शूटिंग करें, बस यही शूटिंग करूँ, क्योंकि इकबाल साहब ने उन्हें सीन करके बता दिया जिस तरीके से, इस तरह काम नहीं कर सका तो बहुत बुरा होगा, क्योंकि सारा सेट देख रहे हो लाइट पैट से लेके नीचे तक। तो दूसरे दिन शाम में तमाम शूटिंग जो 4, 5, 6 कैंसिल की और पूरा डे नाइट में वो सीन फिल्म बंद करवाया, वो सीन भी एक अनमोल बन गया और लोगों ने क्लैप दिए उनको कहा कि वाकई आपने, और इकबाल साहब ने खुद उनको दाद दिया कर। इस तरह और भी जगहों पर वो जब काम करते थे वो खुद उसमें इन्वॉल्व होते थे। सबसे बड़ी उनकी जहानत देते कि एक एक जुमला हर किरदार का याद रखना, उसे उसी तरह अदा करना, ये बड़ी बात थी, चूँकि एक सरकार थे वो अंदर से पूरी तरह वो खुद करने का ये काम जानते थे और करते आए थे और उन्हें उन्होंने अपने ऊपर छाप नहीं लगनी थी। सबसे बड़ी बात ये कि हमारे ऊपर ये भी थी कि उस ज़माने में जो उर्दू फिल्म बनाने वाला उर्दू फिल्म बना रहा था, पंजाबी वाला पंजाबी, रोमांटिक की अपनी एक थी, कॉमेडी फिल्म बनाने वाला अपना उसका एक स्कूल था, मगर इकबाल कश्मीरी ने कॉमेडी बनाई तो लकीर फेर दी, उन्होंने एक्शन किया तो कमाल कर दिया, रोमांस किया तो कमाल कर दिया, उनने हर शोबर उन्होंने बताया कि डायरेक्टर डायरेक्टर होता है, उसके हाथ में जब स्क्रिप्ट आता है वो उसको उसके मुताबिक अगर करे तो वो कामयाब डायरेक्टर है। तो उन्होंने अपने जितने भी राइटर होते थे उनके काम के साथ मुकम्मल इंसाफ करते थे, यही वजह है कि उन्होंने फिल्मी सर के तमाम बड़े राइटर्स के साथ काम किया। उन्होंने अपने तख्लीकात से, अपनी मेहनत से, अपने लगन से साबित किया कि वो छोटे कद के जरूर हैं लेकिन बड़े डायरेक्टर हैं, और आज उनका कद जो है हमें दूसरे तमाम डायरेक्टर से जो मानी में थे उनसे बड़ा नज़र आता है। इसकी वजह से उनके काम के हवाले से उनके कद को ना देखा जाए, उनके काम को देखा जाए, उनके काम इस कदर अच्छा था कि उन्हें हमेशा याद रखा जाएगा। और फिल्मी सत्र में उन्हें जितनी भी तारीफ की जाए, जितना खराज तहसीन पेश किया जाए कम है। उन्होंने मरते दम तक इंडस्ट्री का साथ नहीं छोड़ा, आखिरी सांसों तक स्टूडियो में आते रहे, यहाँ तक हमने देखा तो ईद लैन पर भी घर में नहीं टिके, ईद भी बिता दिए तो उन्होंने स्टूडियो में आ गए और बंदे घूमते फिरते थे, वो गदा मिल जाए बैठ के बातें करो। आम दिनों में बीमारी की हालत एक साल से वो मुसलसल बीमार थे, हॉस्पिटल में हर महीने दूसरे महीने वो हॉस्पिटल में चले जाते थे, सांस की तकलीफ थी, सांस में चैन नहीं दे रहा था, वो बार बार टूटने की हालत में जब कोरोना अरूज पे था उस जमाने में भी वो हॉस्पिटल में रहे और ऑक्सीजन लगी गई, फिर ऑक्सीजन उन्होंने घर में मुंतकल की, वहाँ पर भी ऑक्सीजन के साथ जिंदा रहे और जो ही सेहतमंद होते थोड़ा सी सांस मदद देती वो बाहर स्टूडियो में चले जाते, स्टूडियो भी जाते रहे। हाजी साहब ने पिछले दिनों उनकी सेहत याबी पर एक तकरीब भी की थी,
तमाम लोगों को बुलाया, वहाँ पर वो लतीफे सुनाते थे। आखिरी दिनों में चल तो उस पहले मैं वहाँ कैसर के पास रहता हूँ, जहाँ वो अक्सर आ जाया करते थे शाम को महफल से जाया करते, वहाँ पर अक्सर लतीफे नींबू के साथ उनकी जुगत बातें थी, उनको छेड़ छाड़ लग नहीं रहा था कि ये बंदा मर रहा है, लेकिन खुदा मफ़रत करे अजीम आदमी था, अल्लाह ताला तरीके ने मत करे। आमीन। बहुत शुक्रिया साजिद जिज़ानी साहब। और अभी आपने ज़िक्र किया आबिद अली निम्बो साहब का, शायद तो मैंने उनको बड़ी रिक्वेस्ट की थी कि सर आप लोग आइएगा, क्योंकि डेली उनकी बैठक परवेज चौधरी साहब और इन्हीं लोगों में होती थी। हो सकता है प्रोग्राम एंड होने तक वो आ जाएं, लेकिन अगर वो नहीं आते तो मैं नहीं समझता कि शायद मुझसे भी कोई गैदरिंग अगर मेरी यहाँ हो और उसके बाद मेरी मौत हो जाए तो मैं उम्मीद नहीं रखूँगा कि मेरी मैयत में भी कोई आएगा। तो अल्लाह मालिक है, देखते हैं। बज़ाहिर तो मुझे लगता यह था कि परवेज चौधरी साहब, आबिद अली निम्बो साहब, ये जितना ग्रुप था ये इकबाल कश्मीरी साहब पे जान छिड़कते थे, लेकिन हो सकता है कोई मजबूरी हो, किसी वजह से नहीं आ सके, लेकिन कोई बात नहीं। मैं मुल्तमिस हूँ जनाब जर्रार रिजवी साहब से कि वो आएँ और मुख्तसर इजहार ख्याल करें। मुख्तसर मैं इसलिए कह रहा हूँ कि सिर्फ टू द पॉइंट अगर बात कर लेंगे तो ये होगा कि तमाम लोग बात कर लेंगे और उसके बाद फिर हम आपकी जो चाय है रिफ्रेशमेंट उसकी तरफ जाएंगे, फिर हम चाय पियेंगे। पर्दा आंखों से हटाने में बहुत देर लगी, हमें दुनिया नजर आने में बहुत देर लगी। नजर आता है वो जो वैसा नहीं होता कोई शख्स, नजर आता है जो वैसा नहीं होता कोई शख्स, खुद को ये बात बताने में बहुत देर लगी। मैं सोचता हूँ पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री के एक बाल कश्मीरी साहब बेशुमार फिल्मों के डायरेक्टर थे और वो एक मेहनतकश इंसान थे। उनके वालिद करीम प्रसाद थे जो लाहौर के तेली दरवाजे के करीब काउंटर था, थोड़ा सा वो होटल चलाते थे और उनकी ख्वाहिश थी कि उनका बेटा पढ़ लिख के कोई बड़ा आदमी बने। मगर इकबाल साहब को शुरू से खेल कूद में बहुत दिल लगता था, पढ़ाई में दिल कम लगता था, एक्टिंग करने में बहुत दिल लगता था, वो एक्टिंग के चक्कर में मुख्तलिफ फिल्में देखते थे और ये फिल्में देखते देखते वो एक दिन शाहनूर फिल्म स्टूडियो पहुंच गए। वहाँ फिल्म दीवार की शूटिंग हो रही थी अमीन मलिक साहब की, तो उसमें कुछ एक्स्ट्रा की जरूरत थी, तो उन्होंने कहा कि मैं काम करना चाहता हूँ। उन्होंने काम दिया और काम के दौरान उनके कद की वजह से पहली दफा अमीन मलिक साहब ने उनको निकू कहा और इस तरह से वो काम करने के शौक में आया। फिर इलियास कश्मीरी साहब के भाई का घर उनके घर के करीब था, एक बार कश्मीरी साहब को इलियास कश्मीरी साहब ने रायल पार करके मलिक फिल्म में उनको जॉब का करवा दिया, जो दौर में मेरे ख्याल छियाने डेली उनको मिलते थे, वो सब यकीन शुरू करवा दिए थे। तो उनको पढ़ने लिखने में बहुत मदद की, उनको कहानी में भी बहुत मदद की,
डायरेक्शन में बहुत मदद की, और मैं पहले यादें फिल्म के अलावा अजीत बेदी साहब की सारी फिल्मों में उन्होंने एक्टिंग भी की। फिर एज ए डायरेक्टर उनको 1970 में चांस मिला तो पहली फिल्म टैक्सी ड्राइवर बनाई जो सुपरहिट फिल्म थी। उसके बाद दूसरी फिल्म है बाबुल, वो भी सुपरहिट फिल्म। तीसरी फिल्म वो भी सुपरहिट फिल्म, यानी कि उनको हैट्रिक फिल्मों का डायरेक्टर कहा जाने लगा कि तीनों फिल्में कंटिन्यू करती हैं। 1973 में उनकी फिल्म जिद्दी का स्पेशल शो ओपन नंबर कर गया। वहाँ ज्योति अजमल साहब, इलियास कश्मीरी साहब, ताया से बहुत उनको मोहब्बत थी, क्योंकि इलियास कश्मीरी साहब ने शुरू से उनको सपोर्ट की थी। ताया साहब उनकी हर फिल्म में भी होते थे और हर जगह होते थे। तो सिनेमा में अगर उनके प्रोडक्शन आदमी अगर वो साथ साथ भी थे, जब जिद्दी फिल्म खत्म हुई है तो नाथक ने कहा छोटे से कम वजह में इतनी बड़ी फिल्म बनाती, वाह इकबाल कश्मीरी वाह। जब ये लफ्ज कहा है तो उनकी आंखों से आंसू, इकबाल साहब की आंखों से आंसू रमा हो गए। आज वही आंसू उनकी फैमिली के हैं, जो बहने आज पाकिस्तानी इंडस्ट्री में उनकी याद पर रो रही है। बहरहाल वो पाकिस्तान के बहुत बड़े डायरेक्टर थे, बड़े इंसान थे, बड़े राइटर थे, और सबसे बड़ी बात है वो एक मजदूर इंसान थे। जैसे इंडिया में आप कह सकते हैं ना कि महबूब एक कारपेंटर थे और वो इतने बड़े डायरेक्टर बने थे, दुनिया में उनको फाइव बड़े डायरेक्टरों में शुमार होता है मुझे। ऐसे पाकिस्तान के जितने सुपरहिट बड़े डायरेक्टर उनमें सब एक बात कश्मीर से आपका भी हमेशा नाम मिलता रहेगा। और मेरी तरफ से उनकी फैमिली को और पूरी इंडस्ट्री को उनको सब ताकत दे और उनके प्रमोट जगह जन्नत और फरदौस में जन्नत है। और जाते जाते शेर में आपके लिए आपका उन सबके लिए जो समय में आ गया मेरे पास, मुनाफों की बस्ती में अपने डेरे समझने की बात करते हैं। मुनाफों की बस्ती में अपने डेरे हैं, मेरे ऊपर मेरे हैं, तेरे ऊपर तेरे। थैंक यू।